इसको ये पता नहीं कि मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा की किस रण भूमि में मेरा जन्म हुआ है, और वो भी पानीपत शहर से जहाँ से तीन देश की लड़ाई लड़ी गई है। लड़ना जानता है हरियाणा का, ये हरियाणा का वकील लड़ना जानता है, और अगर मेरे मान सम्मान पे चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता है। तुम बदमाशी करना चाहो या कोई और बदमाशी दिखाओ कानून से अलग होके, तो वो भी करके देख लेना, उसका भी तुम्हें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। हम पत्ते नहीं खोलते इस तरह जिस तरह ये बेवकूफी करता है, हम कानून से लड़ते हैं और कानून का जवाब कानून से देते हैं। लेकिन अगर सर से पानी उतरा तो इस बात का ध्यान रखना कि दूसरे को कमजोर मत समझना, तुम्हें पता नहीं कौन कितने पानी में कहाँ है। ये इसको जवाब देने वाला कोई था नहीं, इसकी समझ से परे थी बात। तो अब इसको पता लग रहा है, जो हमने कानून 11 केस बेंची डाल दिए, 11 केस और 4 केस और तैयार कर दिए आज, वो जब डलेंगे तो पता लग जाएगा। इसकी ऐसी कानूनी वाट लगाएंगे कि इसको अपना अंडरवियर धोने का टाइम भी लगेगा। जब ये बार बार उसमें चिपक करेगा ना, तो इसको अंडरवियर धोने का टाइम भी लगेगा, इसकी हालत हो जाएगी। अरे ना पहचानो, कोई दिक्कत नहीं है, ना पहचानो, खून का मैच करवा लो, हैदर के बच्चों का खून का मैच, और हैदर के खून का मैच डीएनए टेस्ट करा लो ना, कि वो खून एक है या किसी और का है। भाई खून का टेस्ट कराओ, खून तो उसी का है, हैदर का बायोलॉजिकल फादर तो वही है, ना पहचानो, कोई जरूरी नहीं है कि पहचानना ही जरूरी है। हैदर तो अपने बच्चों को पहचानता है ना, और ये कहती है एक भी तस्वीर दिखा दो, एक भी तस्वीर दिखा दो। अरे आने से पहले हैदर के साथ जितनी भी तस्वीरें थी वो सारी जला के आई है, सारी फाड़ के आई है, और हैदर के पास जो तस्वीरें थी वो सारी घर में थी। हैदर तो सिंपल आदमी है, मोबाइल फोन रखता है कीपैड वाला, वो टच फोन रखता ही नहीं बेचारा। वो इतना सादा भोला आदमी है कि शायद ही सऊदी अरब के अंदर वो दो दो शिफ्ट करता था, तीन तीन शिफ्ट करता था, ताकि ज्यादा कमा के इसको भेज सके, इसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। और ये कीपैड का फोन रखती थी, महंगे महंगे फोन रखती थी, तीन या दो तीन फोन लेके आई थी। ये किसने दिलाया था? ये हैदर की कमाई के तो थे, यहाँ सचिन देगा आधा पैसे, किसकी कमाई के पैसे थे वो? वो हैदर की खून पसीने की कमाई का डबल डबल शिफ्ट का पैसा था, जो इतने बड़े बड़े महंगे महंगे फोन लेके रखती थी। और जितने भी हैदर के साथ बच्चों की तस्वीरें थी, सीमा हैदर की तस्वीरें थी, फैमिली की तस्वीरें थी, वो सारी डिलीट करके आई है, सारी फाड़ के आई है, सारी जला के आई है। हैदर के साथ जितने भी सबूत थे मैरिज के, इसको पता था कल को हैदर को पता लगेगा, वो वापिस आएगा तो वो सारी तस्वीर मीडिया में दिखाएगा, या वो भारत आएगा तो प्लानिंग के तहत हैदर के साथ जितने भी सबूत थे वो निकाह नामा भी अपने साथ लेके आई है हैदर का, जो पुलिस ने बरामद किया है। हैदर ने उसकी एक कॉपी, जो कि जब उससे लव मैरिज की थी, हैदर से इसने घर से भाग करके लव मैरिज की थी, उसकी एक कॉपी वहां कोर्ट में जमा दी। हैदर ने वो निकलवाई है, जब मैंने उसको बताया वो कॉपी निकलवाओ, तो वो एक कॉपी सुकरा के कोर्ट में जमा दी जो निकल गई, वरना तो ये कोर्ट मैरिज के कागज भी लेके आई है, जो पुलिस ने पकड़ा है इससे, इसके पास मौजूद है। ये कहती है तस्वीर दिखा दो, हैदर की तस्वीर दिखा दो। अरे तस्वीर कहां से दिखा दो, जब तू सारी जला दी तूने आने से पहले, सारी डिलीट मार दी तूने, टच फोन तो तेरे पास था, हैदर तो बेचारा कीपैड रखता था, वो तो वॉइस कॉल करता था तुझे, उसको तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो फोन चला ही नहीं सकता, उसको फोन चलाना ही नहीं आता। जो उसका चैनल है वो भी, उसका कोई साथी है वो चला रहा है, वो नहीं चलाना आता, ना उससे अपलोड करना आता, ना लाइव आना आता, दूसरा ही बंदा करता है तो वो जवाब देता है, वो मैसेज भी नहीं लिख सकता, अनपढ़ ठेक आदमी है, मैसेज टाइप नहीं कर सकता, ना वो पढ़ सकता, वो वॉइस मैसेज सुन सकता है, और दबा के मेरे पास भी जितनी बात मैसेज की होती है, और मैं भी मजबूरी में उसको वॉइस मैसेज भेजता हूँ, पड़ती है या वीडियो कॉल करनी पड़ती है। तो ये दुनिया को मूर्ख बना रही है कि बच्चे पहचानेंगे नहीं। अरे बच्चे कैसे पहचानेंगे, जब वो 4 साल से तेरे लिए कमाने गया था, और वो बच्ची एक बच्ची बाद 4 साल से या 3 साल से जितने साल से तू बताती है, एक बच्ची बाद में पैदा हुई, जब वो पेट में था 1-2 महीने की, जो भी है 3 बच्चे तो थे उसके, वो छोटे थे, बड़ा बेटा पहचानता है उसको, बड़े बेटे ने इंटरव्यू भी कहा मेरे पापा थे, हाँ वो ठीक नहीं थे क्योंकि वो पट्टी उसको पढ़ाई गई है, तो वो कैसे पहचानेंगे जब देखा ही नहीं। अब 6 महीने में तो सचिन को तो पहचान लेंगे, क्योंकि वो अभी 7-6 महीने हुआ है, जिसके साथ जो है वो पूरी जब से बच्चे पैदा हुए हैं वो उसके बाप है, उसको पहचानेगा नहीं। वाह भाई वाह, तू ठीक है, तू कितनी भी साइकिल धुवा ले, कितने भी कपड़े खरीदवा ले, कितना भी उन बच्चों को दिलवा दे, जब वो बाप आएगा ना तो उनके बच्चों का खून जोश मारेगा उसके बाप की तरफ, और वो अपने बाप की तरफ जाएंगे। तू कितना भी जोर लगा ले बेटा, सौतेला सौतेला तो सौतेला होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, और तू तो सौतेला भी नहीं है, तू तो इलीगल फादर कह सकते हैं तुझको, या इलीगल फ्रेंड कह सकते हैं तेरे को, तू तो इलीगल फ्रेंड है तेरी, तो कहीं से कहीं तक कोई डेफिनेशन है ही नहीं, कहाँ डेफिनेशन है तेरी, पता किस खाते में? भाई उधार के खाते में है, एडवांस के खाते में है, लोन के खाते में है, किस खाते में है तू? तू तो किसी भी खाते में नहीं है भाई। हाँ, जो हमारी लड़ाई है कानूनी लड़ाई है, कैरेक्टर के बारे में या चरित्र के बारे में तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया समझ रही है, देख आप भी देख रहे हो, आपके फॉलोअर भी देख रहे हैं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना, इंसान समझदार होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई ये गुलाम के बच्चे आपको देने पड़ेंगे, सही, हम आपकी आपकी डिमांड नहीं कर रहे, गुलाम हैदर को आपकी जरूरत नहीं है, ये आपका फैसला है या भारत सरकार का फैसला होगा कि सजा भुगतने के बाद आपको भारत में वो रहने देते हैं या डिपोर्ट करते हैं। हम तो आपको सजा कराएंगे, जेल कराएंगे, और जो बच्चे हैं उनको गुलाम हैदर को मिलवाएंगे।
हमें गुलाम हैदर की तरफ से सीमा को हम ले जाना नहीं चाहते, सीमा को हम रखना नहीं चाहते, सीमा से हम पारिवारिक कोई संबंध बिल्कुल भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई जो है वो चार बच्चों की है, और सीमा ने जो बेवफाई की है, जो नुकसान किया है, जो रेपुटेशन का हाथ किया है, उसके बदले में उसको जेल चाहते हैं। हमारे ये दो कंसेप्ट ये देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे मुझे नहीं पता ये कहां का वीडियो है, कहां का क्या है, लेकिन मुझे किसी शख्स ने भेजा था कि ये वीडियो में जो बच्ची है गुलाम हैदर की, वो किस तरीके से जो है वो ईद मुबारक कह रही है। आप देखिए, किसी ने भेजा है, लेकिन बच्ची तो वही है, ईद मुबारक भी कह रही है। तो भारत में आके उसने ईद मुबारक तो कहा नहीं, तो जाहिर है ठीक की बात होगी, लेकिन मुझे किसी ने भेजी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा ऊपर करो सर, हाँ ईद मुबारक, हाँ देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने मासूम बच्चे हैं, क्या दर्द नहीं होता वो तेरे सीन। ये बच्ची कह रही है ईद मुबारक, ये मुझे हाँ। किसी ने भेजी है, किसी भाई ने भेजी है, और ये बाकायदा गुलाम हैदर सऊदी अरब से ईद के मौके पर, त्यौहार के मौके पर किसी भी अपने दोस्त का डिजिटल मोबाइल लेके इससे बात करता था। और ये कहती है ना कि मेरे से बात नहीं होता। मैंने पाकिस्तान से जो इसके नंबर थे ना, तमाम नंबरों की कॉल डिटेल मंगवाई है। मोमिन मलिक नाम है मेरा, जिस पे ये वीडियो कॉल करती थी और जिससे कॉल करती थी, और हैदर के नंबर से जितनी कॉल आई है, जो वॉइस कॉल आई है, जो उसने अपने दोस्तों का फोन लेकर के वीडियो कॉल की है, बच्चों से बात की है, इससे बात की है, रोज बात करता था वो, दूसरे दिन तीसरे दिन। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कमाने गया हो, यहाँ तो एक साल से आई है, कि वो अपने बच्चों से बात ही ना करे? देखो जब अपने बच्चों के लिए कमाने गया तो वो अपने बच्चों से तो बात करेगा। बिल्कुल। तो ये सारे सबूत मिटा के आई है, सारी कॉल रिकॉर्ड सब खत्म करके आई है, ताकि इस पे कोई क्लेम ना हो सके। और एक बात और बता दूं मैं, कि कोई भी इसकी वहां वीडियो जो बनी हुई है, जो मेरे पास भी भेजी है लोगों ने, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक नहीं करूंगा, इसकी बहुत सारी वीडियो, हर मोमेंट की वीडियो मुझे भेजी गई है, मेरे पास है सबूत के तौर पर, जो मुझे वहां से भेजी है। एक एक बच्चों की भी वीडियो है, इसकी खुद की वीडियो है, इसके परिवार के साथ, बहन के साथ, तमाम वीडियोस मुझे भेजी गई हैं। बट मैंने उसको सार्वजनिक नहीं किया। उसका रीजन है कि जिन लोगों के साथ वो वीडियो है, उन लोगों को मैं गवाही पर बुलवाऊंगा, और वही लोग उन वीडियो को वहां कोर्ट में देंगे गवाही के तौर पर। क्योंकि अगर मैं उन वीडियो को पब्लिक को दिखा देता हूं, तो इनके पास एक ही उसका आरोप है और एक ही झूठ बात है। ये कहेंगे जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बना ली। अबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो तू भी बना दे, इधर की दो चार बना के दिखाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तू हैदर की, चल मैं तेरे पे चैलेंज करता हूं बेटा, सारे मुकदमे वापस कर दूंगा, जा और गुलाम हैदर के सारे मुकदमे छोड़ दूंगा। तू गुलाम हैदर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी वीडियो बना दे जिसमें वो सीमा हैदर को 3 तलाक दे रहा हो, और ये प्रूव करते कि हाँ इसने 3 तलाक दे दी, और इस वीडियो पे जितना खर्चा आएगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, वो तू मेरे से ले लेना, मैं तेरे को दे दूंगा। तू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ तलाक का वीडियो बना के हैदर की हमें दे दे, दिखा दे, जा। देखो सारे मुकदमे वापिस हो जाएंगे। आप गुलाम हैदर की वो वीडियो दिखा दो जिसमें वो तलाक दे रहा हो सीमा हैदर को, और जब मुस्लिम कानून के मुताबिक, क्योंकि मुस्लिम कानून पूरी दुनिया में एक ही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, मिस्र हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, कोई भी देश हो, जब वर्बली तलाक भारत में थी तीन टाइम की, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुपरसीड कर दिया है, तो उस वक्त भी दो गवाहों के सामने ऐसा कहा जाता था, तब वैलिड तलाक होती थी। अगर दो गवाह मेल, अगर और एक वकील और दो गवाह, तीन लोगों के सामने, अगर वो दो गवाह नहीं है और अगर मर्द नहीं है, तो तब एक मर्द और दो महिलाएं, तब ये शर्त थी कि एक मर्द के मुकाबले में दो महिलाएं सामने होगी गवाह के तौर पे, और एक वो उनको गवाह बनाकर। और तलाक देने का जो तरीका है वो ऐसे नहीं है कि मियां बीवी बंद कमरे में है, घर में है, उसको 3 बार तलाक बोल दो वो तलाक हो जाएगी, नहीं, बल्कि जो गवाह तलाक के टाइम मौजूद हो उनके नाम लिए जाएंगे कि मैं फला फला आज दिनांक इतने इतने को इस गवाह के सामने, जिसका नाम फला, जिसके बाप का नाम फला, दूसरा गवाह इसका नाम ये, इसके बाप का नाम ये, तीसरा वकील इसका नाम ये, इसके बाप का नाम वे, इन दो गवाहों और वकील के सामने जो कि आज मौजूद है, और मेरी पत्नी भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, मैं इन तमाम गवाहों के सामने जो ये नाम है, मैं उसको तलाक दे रहा हूँ, इस प्रकार से वो गवाही में कहना पड़ेगा 3 बार। जब ये 3 बार थी, जब भी 3 गवाहों की जरूरत थी, तू पाकिस्तान का एक ही गवाह दिखा दे, तेरे सामने कहा हो बता दे, तू तारीख ही बता दे, तू दिन बता दे, फोन पे तो वैसे भी वैलिड नहीं है, गवाहों का होना बहुत जरूरी है, फोन पे वैलिड नहीं है किसी भी कीमत और सूरत पे, फोन पे दिया गया तलाक की देयर इज नो वैलिडिटी इन द आई ऑफ द लॉ इफ ए पर्सन कैन प्रोनाउंस द डिवोर्स ऑन फोन।